हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हींग की खस्ता कचौरियाँ। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत होगी। बेसन, छिलके वाली मूंग दाल, मैदा, नमक, हरी मिर्च कटी हुई बारीक, सौंफ, खड़ा धना, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और तलने के लिए तेल। तो ये मूंग की दाल है, इसको हम धो के अच्छे से उबाल लेंगे। मैंने पहले से उबाल के रख दी है। अब देखिए इसको इतना ही जब हम इसे दबाएंगे तो इसके दो टुकड़े हो जाएं, इससे ज्यादा इसको उबालना नहीं है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। थोड़ा हम तेल लेंगे कढ़ाई में। तो आइए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये सौंफ डालेंगे हम इसमें पहले, खड़ा धना डालेंगे, हरी मिर्च हमारी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, हींग डालेंगे हम, लाल मिर्च डालेंगे और हल्दी। मिर्च आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, हमको तीखा पसंद है इसलिए हम थोड़ा तीखा लेते हैं। इसमें हम डालेंगे बेसन, आधा कटोरी दाल ली है तो करीब 4 चम्मच बेसन डालेंगे। ये देखिए बेसन से भी अब अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा भून लेंगे बेसन को ताकि वो कच्चा ना रहे। बेसन अब हमारा भुन गया है, अब इसमें हमारी मूंग की दाल डालेंगे उबली हुई। अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो अब हम इसके कवर के लिए मैदा ले लेंगे। मैदा हमने लगभग 1 बड़ा कप लिया है। इसमें हम नमक डालेंगे थोड़ा और इसमें हम डालेंगे थोड़ा मोयन। मोयन उतना ही डालना है जिससे हमारा दबाने पे पेड़ा बन जाए। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे हम। मोयन का पहचान है कि हम इसको जब दबाएंगे ऐसे तो इसका ऐसे पेड़ा बनना चाहिए और ये ऐसे धीरे धीरे से टूट भी जाना चाहिए। तो ये मोयन हमारा डल गया है, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लेंगे। तो ये मैदा हमारा अब गूंथ के हो गया है, अब हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। और इसको हम एक बड़ी लोई बेल लेंगे इसकी। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने इसका नाम रखा है हींग की खस्ता कचौरी, तो ये नॉर्मल कचौरी से ज्यादा खस्ता बनती है और नॉर्मल कचौरी से इसका शेप भी थोड़ा हमने अलग रखा है। तो चलिए अब हम इसका यूनिक शेप बनाते हैं। हम सहायता से इसमें 4 कट लगाएंगे पहले। इसको थोड़ा घुमा लेंगे और ऐसे प्लस के साइन में पहले 4 कट लगा लेंगे। उसके बाद हमारा जो स्टफिंग है वो हम रखेंगे बीच में। इतना मसाला बहुत है हमारे लिए। अब ये ऑपोजिट साइड वाली जो लेयर है हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। इसको अच्छे से दबा देंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा पानी का हाथ लगाकर भी दबा सकते हैं, बंद कर सकते हैं ताकि कहीं से खुले ना। और अब बाकी बचे हुए 2 पोर्शन में हम इसके ऐसे लेयर्स कट कर लेंगे।
जितने हमने वहां कट दिए हैं उतने ही सेम कट हम यहां भी देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पहली लेयर यहां रखेंगे उठाकर, दूसरी लेयर हम इसके ऊपर ऑपोजिट साइड रखेंगे, फिर एक लेयर इधर रखेंगे, दूसरी लेयर हम यहां रखेंगे। इस तरीके से हम इसकी सारी लेयर्स रखते जाएंगे एक के बाद एक। अब हम फोर्क की मदद से इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे। तो ये अब तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हमने तेल पहले से ही थोड़ा गर्म करने रख दिया था, इसे हम डाल देंगे तेल में और धीमी आंच पे इसको पहले तल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी खस्ता कचौरिया। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर लग रही है ये, एकदम अलग अलग लेयर्स में, और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, काफी खस्ता होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।